दोस्तों कहते हैं कि आपकी तरक्की का अंदाजा तो तब लग जाता है जब आपकी तरक्की को देखकर आपका पड़ोसी जलता है। लेकिन आज तो दोस्तों उल्टी गंगा ही बह गई है। लेकिन ये उल्टी गंगा नहीं बही है, ये मगरमच्छी आंसू हैं जो दिखाई दे रहे हैं। आज इमरान खान का जलसा हुआ है, उस जलसे के अंदर इमरान खान भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते हुए सुनाई दे रही थी। उनका कहना था कि भारत की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने कहा कि भारत आज क्वाड का मेंबर है और आज किसी की हिम्मत नहीं है भारत से कोई सवाल पूछ ले। तो ये सारी बातें चल रही हैं, 3.5 साल हो गए हैं जब इनकी गद्दी सही थी, तब तो ये भारत को दबाकर गालियां देते थे और अब गद्दी बिल्कुल जाने वाली हो रही है तो अब भारत भारत अच्छा लग रहा है। खैर ये डर अच्छा है और ये डर इसी तरीके से बना रहना चाहिए। अब दोस्तों खबर पर आते हैं। खबर क्या है? खबर भी ऐसी है कि हमारे पड़ोसी के दिल जलने लगेंगे जो खबर आज हम आपको बताने वाले हैं। भारत फॉरेन पॉलिसी के अंदर किस तरीके से झंडे गाड़ता जा रहा है। जापान के प्राइम मिनिस्टर भारत के दौरे पर आए थे, कल हमने आपको दूसरे चैनल पर वीडियो बनाकर दिया था, और वो आए ही थे कि एक और बड़ी खबर भी निकल गई है। खबर क्या है? खबर ये है कि 57 इस्लामिक देशों के जिगर के छल्ले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भारत दौरे पर आने जा रहे हैं, और ये दौरा एक दिनों का नहीं होने वाला है, 4 दिनों का दौरा होने वाला है। और इस 4 दिनों के दौरे के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की आर्मी हाई अलर्ट पर रहने वाली है, क्योंकि इन 4 दिनों के अंदर कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये दौरे की जो टाइमिंग है बहुत ही ऐतिहासिक होने जा रही है। जब इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट हो रहा होगा, तब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर भारत के अंदर लैंड कर रहे होंगे। दोस्तों अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को यह कहने का मौका मिल जाएगा कि मुझे गद्दी से मेरे पीटीआई के बंदों ने नहीं निकाला है, बल्कि इजराइल की मोसाद और भारत की रा एजेंसी ने निकाला है, और मेरी गद्दी से हटाने के बाद अब भारत और इजराइल मिलकर जश्न मनाने वाले हैं भारत देश के अंदर। लेकिन ये कहने को कुछ मर्जी कहते रहे, लेकिन ये डर अच्छा है। दोस्तों बात करते हैं इस दौरे के बारे में। ये दौरा बहुत ऐतिहासिक है। भारत और इजराइल के रिश्तों में 30 साल पूरे हो गए हैं और 30वीं एनिवर्सरी मनाने के लिए भारत और इजराइल आज एक साथ आ रहे हैं। इजरायली पीएम का ये दौरा इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें स्पेशल न्योता देकर भारत बुलाया था COP26 के अंदर जब उनकी मीटिंग हो रही थी। ये दौरा शनिवार 2 अप्रैल 2022 को होने जा रहा है, और यही वो समय है जब पाकिस्तान के अंदर नो कॉन्फिडेंस को लेकर वोटिंग भी होने जा रही है। ये दौरा 2 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक चलने वाला है, और देश के अंदर इजराइल की जो टेक्नोलॉजीज है उनके अंदर और ज्यादा निवेश हो, और ज्यादा भारत और इजराइल मिलकर दुनिया को कोई नई टेक्नोलॉजी दे सके, इसको लेकर फोकस किया जा रहा है। इनोवेशन, इकोनॉमी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, बहुत से ऐसे मसले हैं जिन मसलों के ऊपर जो ये 57 इस्लामिक देशों के ऊपर नजर रहती है, इजराइल की और भारत की भी रहती है। तो ये दोनों देश एक हो चुके हैं, और हाल ही में इजराइल के लोगों ने भी जो होली मनाई थी उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री से नफ्ताली बेनेट मिलने वाले हैं, और इसी के साथ ही जो यहूदी लोग भारत के अंदर रहते हैं उनके साथ भी वो मीटिंग करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बात होने जा रही है, और इजराइल का ये दौरा पाकिस्तान को संदेश है कि अपनी एयरफोर्स, आर्मी को हाई अलर्ट पर रख लीजिए, क्योंकि इजराइल का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है तो कुछ भी हो सकता है। कहने को कुछ मर्जी आप कहिए, लेकिन ये डर पाकिस्तान के लिए अच्छा है।